हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आदि पुरुष। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से YouTube चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आदि पुरुष, इसका तर्जम है पहला आदमी, फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेवक्त शूट की गई। इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन US 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन ने प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में, साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट, एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि। एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार, भूषण कुमार की तरफ से है। एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार, इसके साथ ब्रिजेश नहर। अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही, एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स, एंड इसके साथ रिलीज की जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को, यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलो कि इस फिल्म में प्रभास एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे, एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड
तुर्बुती जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीबी रामीन की मुआफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल डायरेक्टेड एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US$44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग ने सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और तीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को बम्बई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन बम्बई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़ सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने
हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंका के जजीरे का सफर किया है। इसे लंका के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष कृति सोनन सैफ अली खान सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा म्यूजिक बाई अजय अतवल प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभास एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है जिन्होंने इससे कबल पैराडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोवेनेंटिन तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी अनुष्का शर्मा दयार अडवाणी और कीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक
चार माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा के बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई। इस फिल्म में प्रभाष, कृति सीनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूद एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाय वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे,
सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ जयदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे। वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे। सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल डायरेक्टेड एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US$44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और कीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इसके किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को बंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन बंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को फुल्लो मान जिंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़
सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूथ एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रही है बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष कृति सोनम सैफ अली खान सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा म्यूजिक बाई अजय अतवल प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कास्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोवेनेंटिन तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरात 350 करोड़ मिलियन US 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी अनुष्का शर्मा
केआर अडवाणी और तीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इसके किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को बम्बई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन बम्बई में फिल्म बंदी के मकाम पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेवक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभाष कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और विरसल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई जो बुनियादी तौर पर बम्बई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़ सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ऑन रूट एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रही है बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष कृति सेनन सैफ अली खान सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा म्यूजिक बाई अजय अतवल प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को इनके ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर
कास्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभास एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे, एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीबी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे $44 बिलियन के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरात 350 करोड़ मिलियन US, 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में एक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर अडवाणी और तीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के उनवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर
बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूथ, एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूथ ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड इसके साथ इनका साथ दे रही है बाई वाल्मीकि, एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है, एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट, एंड प्रसाद सुथार इसके साथ, ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सोनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह, और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही, एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स, एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023, और इसके साथ 16 जून 2023 को इनके ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो ट्रीबीसी फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है, और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कास्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलो कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे, एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल डायरेक्टेड एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन को-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरात 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में बेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में
रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, दयार अडवाणी और त्यार्थी सुरेश सराता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सनी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकाम पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया था। आदि पुरुष इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेवक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभाष, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सनी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर मुंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूथ एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूथ ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाय अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाय अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को इनके ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी।
रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बता दूं। चलो कि इस फिल्म में प्रभास एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैराग्लाइडिंग एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, तैयार अडवाणी और त्यार्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के उनवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया था। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल
शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट, एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि। एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार, भूषण कुमार की तरफ से है। एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नेहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सोनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज की जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को इनके ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज आ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज आ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज आ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज आ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज आ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पुरुष का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन यूएस 75, आधी पोरेश 600 करोड़
में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग ने सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और तीर्थी सुरेश सराता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाय वल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाय अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाय अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी
30 सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को, यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलो कि इस फिल्म में प्रभाश एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हुनमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल प्रेग्नेंट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन को-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, दयार अडवाणी और त्यर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष
इसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई। इस फिल्म में प्रभाष, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूद एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड उसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कास्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेनन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पुरुष का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैराग्लाइडिंग एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण दी लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए
ऑन कोवेनेंटीन तहरीर मिली। रॉबर्ट ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे तीन कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और कीर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़ सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूद एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रही है बाय वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह,
और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही, एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स, एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023, और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलूँ कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंगकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे, एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोवेनेंटिन तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और त्यर्थी सुरेश सेराता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा के बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय अतवल ने तरतीब दी है।
और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तोल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नुआन से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया था। आदिपुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभाष, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और विसल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदिपुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदिपुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूथ एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो ट्रीबीसी फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदिपुरुष का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें
जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रॉबिट ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे $44 बिलियन के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरात 350 करोड़ मिलियन US, 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में एक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान, जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और कीर्ति सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कीर्ति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह, जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के उनवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदिपुरुष, इसका तर्जम है पहला आदमी, फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कीर्ति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूद एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी को उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रही है बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार।
भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष कृति सोनम सैफ अली खान सन्नी सिंह। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा। म्यूजिक बाई अजय अतवल प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को इनके ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलो कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हुनमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीबी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है जिन्होंने इससे कबल डायरेक्टेड एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन को 19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरात 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे तीन कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग ने सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी अनुष्का शर्मा केआर अडवाणी और कीर्ति सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को बम्बई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20
उसी दिन बम्बई में फिल्म बंदी के मकाम पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है, और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के उनवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हुलो मान जिंती के मौके पर जारी किया गया था। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभाष, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सनी सिंह और विरसल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूद, एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाय वाल्मीकि। एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सेनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाय अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाय अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज की जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को, यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो ट्रीबीसी फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलो कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेनन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पुरुष का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में
भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेक्टेड एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन को-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US$44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US, 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग ने सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और केआरती सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सीनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हुलो मान जिंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सीनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन US 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है, जिसे लंघा के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट।
एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का, उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि। एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार, भूषण कुमार की तरफ से है। एंड प्रोड्यूस्ड बाई कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर। अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सोनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाई अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाई अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को, यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज आ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज आ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज आ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज आ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज आ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल सुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा डमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीबी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण दी लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोविड-19 तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन US 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन US 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में एक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, दयार अडवाणी और त्यर्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन
चैप्टर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को बम्बई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन बम्बई में फिल्म बंदी के मकाम पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हुलो मान जिंती के मौके पर जारी किया गया था। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई। इस फिल्म में प्रभाष, कृति सीनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़, सेक्शन में प्रीमियम होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंघा के जजीरे का सफर किया है। इसे लंघा के राकेश बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रहे हैं बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार। भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है। ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नेहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष, कृति सनन, सैफ अली खान, सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी, एडिट बाय अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा, म्यूजिक बाय अजय अतवल, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड इसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी। ओके, और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभाष एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ रंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड
तुरबुती जो है ना वो आपको तोरा जमाल के रोल में नजर आएंगे। दो महागीवी रामीन की मुवाफकत आधी पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है, जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोवेनेंटिन तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आधी पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे तीन कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग ने सितंबर 2020 में बनाने वाली ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं, जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं, कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। श्वेता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केआर आडवाणी और केआरती सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में यह खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक 4 माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोज ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा कि बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर मौसीकी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नवान से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। आदि पुरुष जिसका तर्जम है पहला आदमी फिल्म की तहरीर और हिदायतकारी रिवात ने की है और इसे टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने प्रोड्यूस किया है। हिंदी और तेलुगु जबानों में बेग वक्त शूट की गई इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान अपने तेलुगु डेब्यू में सन्नी सिंह और वित्सल शीट के साथ अहम किरदार में है। आदि पुरुष का ऐलान अगस्त 2020 में एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में खत्म हुई, जो बुनियादी तौर पर बंबई में हुई। इसके बाद से ज्यादा है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक। मिलियन यूएस 69 पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुए। फिल्म की मौसीकी अजय अतवाल ने तरतीब दी है। आदि पुरुष के बजट 550 करोड़ सेक्शन में प्रीमियर होने वाली है। 3 दिन बाद थिएटर में वसी रिलीज होगी। ये फिल्म 13 जून 2023 को ट्रिबिका फेस्टिवल में साल पहले अयोध्या के बादशाह राम ने
हनुमान की फौज की मदद से अपनी बीवी सीता को बचाने के लिए लंका के जजीरे का सफर किया है। इसे लंका के राक्षस बादशाहों ने अगवा कर लिया। दोस्तों अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है ओम रूट एंड स्क्रीन प्ले जो उन्होंने किया है इस मूवी का उनका नाम भी ओम रूट ही है। बेस्ड ऑन रमियाना की तरफ से है एंड और इसके साथ इनका साथ दे रही है बाई वाल्मीकि एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस इस फिल्म को जिसने किया है उनका नाम है जी भूषण कुमार की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण कुमार की तरफ से भी है ओम रूट एंड प्रसाद सुथार इसके साथ ब्रिजेश नहर अगर मेन के दर में अदा कर रहे हैं तो प्रभाष कृति सोनम सैफ अली खान सन्नी सिंह और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम है कृतिक पलानी एडिट बाय अपूर्वा मोटीवाला सही एंड इसके साथ दे रहे हैं इशाश महात्रा म्यूजिक बाय अजय अतवल प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स एंड उसके साथ रिलीज इसकी जो डेट है वो है जी 13 जून 2023 और इसके साथ 16 जून 2023 को यानी कि ये 16 जून 2023 को इंडिया में रिलीज होगी ओके और इसके साथ 13 जून 2023 को जो है ना वो TBC फेस्टिवल में रिलीज होगी। रनिंग टाइम इसका 174 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है और ये हिंदी जबान में भी इसको रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भी जबान में इसको रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को जो लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। अगर कॉस्ट की बात कर लें कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो वो मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में प्रभास एज अ रंघावा के रोल में आपको नजर आएंगे, कृति सेन एज अ जिनिकी के रोल में नजर आएंगे, सैफ अली खान एज अ लंकाश के रोल में नजर आएंगे, सन्नी सिंह एज अ लक्ष्मणा के रोल में नजर आएंगे एंड के साथ देवदत्ता नेगा एज अ हनुमाना के रोल में नजर आएंगे, वत्सल शेथा एज अ इंद्रजीत के रोल में नजर आएंगे, सोनाल शुहान एंड त्रिभुति जो है ना वो आपको तोरा दमाल के रोल में नजर आएंगे। हिंदू महागीवी रामीन की मुवाफकत आदि पोरेश का ऐलान 18 अगस्त 2020 को एक प्रमोशनल पोस्टर के जरिए किया गया था। बोस ने ओम रावत की हिदायतकारी में भगवान राम की तस्वीर कशी की है जिन्होंने इससे कबल पैरेडिट एक्शन फिल्म थाना जी 2022 की हिदायतकारी की थी। ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म रामायण दी लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से मुतवज्जे हुए और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महागावी रामीन को फिल्म में ढालने की लॉकडाउन के दरमियान स्क्रिप्ट लिखा। प्रभास ने फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए ऑन कोवेनेंटिन तहरीर मिली। रावत ने हिंदुस्तान में खर्च होने का तखमिया लगाया था और इसे बिलियन यूएस 44 के बजट के साथ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। भरी असरा 350 करोड़ मिलियन यूएस 75 आदि पोरेश 600 करोड़ में फिल्माया गया है। डी हिंदी और तेलुगु जबान में ब्रेक वक्त फिल्माया गया है और इससे 3 कास्टिंग में मेन दिया गया है। कास्टिंग में सितंबर 2020 में बनाने वाले ने इंकशाफ किया कि भास भगवान राम की तस्वीर कशी कर रहे हैं जिसके किरदार का नाम बाद में रघुआ के तौर पर सामने आया। सैफ अली खान जो पहले ही रावत की तनहाजी में एक मुखालिफ के तौर पर काम कर चुके हैं कलेक्शन के नाम से रावण के किरदार के लिए साइन किया गया है। सीता के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी अनुष्का शर्मा तैयार अडवाणी और त्यार्थी सुरेश से रब्ता किए जाने के अफवाहों के बाद नवंबर में ये खबर आई थी कि कृति सेनन को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म में इसकी शमूलियत की तस्दीक
चार माह बाद मार्च 2021 में मैक्रोस ने की। सन्नी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट्स में 2020 में शामिल हुए थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मणा का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म बंदी आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुई और 2 फरवरी 2021 को मुंबई इंडिया में मुहूर्त की शूट पर बाकायदा लॉन्च की गई। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई जैसा के बनाने वालों ने बताया था। 19-20 उसी दिन मुंबई में फिल्म बंदी के मकान पर एक जबरदस्त आग का हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से डुप्लीकेट सेट इसी तरह बनाए गए थे। 22 अक्टूबर 2021 में खान और सनवान ने शूटिंग मुकम्मल की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म बंदी मुकम्मल हुई। फिल्म की मौसीकी अजय तवल ने तरतीब दी है और अगर उसी की बात करें तो उसे अजय तवल ने तरतीब दी है। अजय श्री राम के नुआन से पहला सिंगल 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया था।